हेलो, तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में स्ट्रिंग के मेथड्स के बारे में जानने वाले हैं कि स्ट्रिंग के अंदर कौन कौन से इनबिल्ट मेथड होते हैं कि जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और पर्टिकुलर स्ट्रिंग होती है उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में। अब यहाँ पे देखिए कि हम अपना क्या लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं PIYUSH। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रिंग मेथड्स होते क्या हैं, कि जो स्ट्रिंग मेथड्स होते हैं वो इसके अंदर क्या है, इनबिल्ट है। इनबिल्ट मतलब कि इसके अंदर ऑलरेडी पहले से, और वो ऐसी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं कि जिसकी वजह से आपको स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सके। अब उस स्ट्रिंग को एक्यूरेटली चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो इनम्यूटेबल है। ओके, बट स्ट्रिंग कौन सी न्यू स्ट्रिंग रिटर्न होगी जिसमें मैनिपुलेशन होगा। ओके, तो चलिए एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं इसको। अब आपको देखिए, मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो नेम है उसको डॉट करके अपर लिखता हूँ, मतलब कि मुझे क्या करना है उसको अपर केस में प्रिंट करवाना। ये देखिए उसने क्या कर दिया, अपर केस में प्रिंट कर दिया। ओके, अब मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे कैपिटलाइज में क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है, सॉरी। ओके, फाइनली कैपिटलाइज। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो पहला वर्ड है वो क्या हो जाता है, कैपिटल हो जाता है। मतलब आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं उसके अंदर आपने हर बार देखा होगा कि उसका पहला वर्ड क्या होता है, कैपिटल होता है, और बाकी के वर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लोअर केस के अंदर होते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम काउंट के बारे में। नेम डॉट काउंट, और काउंट करता क्या है, तो काउंट काउंट करता है। हाँ भाई, काउंट क्या करता है कि इसके अंदर जो वैल्यू है उसको काउंट करता है कि उसके अंदर कितनी है। तो इसके अंदर तो एक ही है। अब चलो यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ दूसरी, तो उन्हें दो काउंट कर ली। ओके, तो यही चीज़ है कि वो काउंट करने के लिए क्या होता है, यूज होता है। अब बात करते हैं हम इंडेक्स के बारे में। अब इंडेक्स क्या करती है, तो इंडेक्स जो मेथड है वो इसके इंडेक्स को क्या करेगी, रिटर्न करेगी। ये कहाँ पर बैठा है, तो यहाँ पे जीरो पे बैठा है। ओके, तो वो क्या किया उसने, उसकी इंडेक्स रिटर्न की। ओके, अब जैसे ऊपर अपर हमने लिखा कि अपर वैल्यू को हम प्रिंट कर सकते हैं, वैसे हम लोअर वैल्यू को भी प्रिंट कर सकते हैं। ओके, और जब इसको प्रिंट करेगी, ऑलरेडी ये चीज़ लोअर में ही है, बट यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देख के देखते हैं कि ए इज इक्वल टू कार्स। यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कार्स, और वो भी कैपिटल में। ओके, यहाँ पे हमने क्या लिखा, कार्स लिखा। अब उसको हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। देखिए ये क्या हो गया, लोअर केस के अंदर हो गया। ओके, तो ऐसे ही बहुत सारे मेथड्स हैं कि जिसको हम एक बार फिर से देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि स्ट्रिंग मेथड्स इन पाइथन। अब स्ट्रिंग के मेथड्स कहाँ हैं, तो ये देखिए यहाँ पे हमने वो किया था, कैपिटलाइजन, केस फोल्ड, सेंटर, काउंट, एंड कोड, एंड स्वीथ। ओके, फाइंड। ओके, तो चलिए वन बाय वन हम एक चीज़ करते हैं कि यहाँ पे कौन सी लिखते हैं, अब एंड स्वीथ। चलिए ये करते हैं, तो एंड स्वीथ। ओके, अब इसके अंदर क्या देना है हमें, एच। ओके, तो ये देखिए फॉल्स, क्यों भाई, क्योंकि ए जो है इसके अंदर एंड में नहीं है। मतलब कि आप चीज़ चीज़ समझ लीजिए कि जो एंड्स विथ मेथड है वो क्या करता है कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर जो लास्ट वैल्यू है वो एंड कैसे होता है, एच से एंड हो रहा है या फिर किसी और से, तो ये एस से एंड हो रहा है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एस। ओके, अब हम देखते हैं कैपिटल का और उसका, हाँ बहुत फर्क पड़ रहा है, तो उसके लिए हमें कैपिटल एस ही लिखना पड़ेगा। मतलब कि ये कैपिटल एस से क्या होता है, एंड हो रहा है, यस ट्रू। तो उसने भी हमें क्या दिया, आंसर ट्रू दिया। ओके, तो यही चीज़ है। फिर तो उसके बारे में दूसरे मेथड्स देखते हैं। ये देखिए ये जो फाइंड मेथड है, तो फाइंड मेथड को भी आप उसी की तरह एक्सेस कर सकते हैं कि इसके अंदर एक वैल्यू डालनी है, फिर नेम डॉट फाइंड, वो क्या करेगा आपको फाइंड सर्च करके देगा जो वैल्यू होगी उसके अंदर। ओके,
फिर ये इंडेक्स के बारे में हमने पढ़ा, फिर इज अल्फा न्यूमेरिक मीन्स क्या, अल्फा न्यूमेरिक जो वैल्यू होगी तो उसको रिटर्न करेगा ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा, फिर इज अल्फा तो इज अल्फा मीन्स क्या अल्फाबेटिक होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, फिर इज आस्की वैल्यू मीन्स के जो आस्की वैल्यू होगी तो वो रिटर्न करेगा, इज डेसिमल सेम इज डिजिट अगर वो डिजिट के अंदर होगा, इज आइडेंटिफायर आइडेंटिफायर अंदर होगा, फिर इज लोअर मीन्स के लोअर किसके अंदर होगा तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये जो इज वाले हैं जो ये इज वाले मैथड्स हैं वो सारे बुलियंस मैथड्स हैं, वो ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करेंगे, मीन्स के इज टाइटल मीन्स कि ये जो भी आपके वेरिएबल अंदर डाला है वो टाइटल के अंदर है, ओके मीन्स के टाइटल है वो, तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। ओके तो यही चीज़ है। फिर हमने ये लोअर क्या देखा, एलस्ट्रिप, एलस्ट्रिप मीन्स कि क्या होता है कि जो पीछे जो जैसे क्या ट्रिम मीन्स कि जो पीछे कोई वर्ड होता है तो उसको क्या कर देता है, उसको रिमूव कर देता है, क्या कर देता है रिमूव कर देता है। जैसे कि इसके अंदर देखिए यहाँ पे हमने क्या डाला है कि ये सिंबल डाला है और उसके बाद हम क्या करते हैं ए डॉट सॉरी पेंट ए डॉट एल स्ट्रिप, ओके उसके अंदर क्या डाल देते हैं ये। अब यहां देखिए स्ट्रिप, हाँ ये चीज देखिए। अब एल स्ट्रिप में होता क्या है कि एल स्ट्रिप में जो आगे की वैल्यू होती है, एल स्ट्रिप में जो आगे की वैल्यू होती है उसको क्या कर देता है वो रिमूव कर देता है। यहाँ पे देखिए उसने आगे की वैल्यू को क्या किया, उसको रिटर्न नहीं किया, ओके। तो मैं बहुत सारे क्या कि मेथड्स पर बहुत सारे ये चीज़ पर काम करता हूँ, उसी की वजह से कभी कभी भूल भी जाता हूँ, पर इसके अलावा आपको ये चीज़ मुझे याद थी कि ये इसके लिए यूज़ होता है, ओके। तो आपको भी ऐसा ही करना है, आपको ये सारे जो मेथड्स है उसको रट्टा नहीं मारना है, इसको रट्टा नहीं है, आपको इसके साथ काम करना है। जब जब आप इसके साथ काम करेंगे, काम करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको क्या हो जाएगा ये याद रह जाएगा, ओके। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट भी मेथड है जिसके बारे में हम देखते हैं, बी तो वाई एस एच यश, ओके। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करने को बोल रहा हूँ बी डॉट स्प्लिट यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ओके। यहाँ पे मैं एक ब्लैंक छोड़ता हूँ और इसके अंदर मैं ब्लैंक कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखना फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने स्प्लिट को क्या किया प्रिंट किया, इसने क्या किया वन बाय वन जो वाई ए एस एच वो वर्ड है उसको एक लिस्ट के सीक्वेंस के अंदर डाल दिया, मतलब कि ये क्या है एक लिस्ट है। अब जो लिस्ट होती है ना उसके अंदर बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, ओके। बहुत सारी क्या हो सकती है वैल्यूज हो सकती है, और जिसको हम वन बाय वन एक्सेस करते हैं, ओके। अब ये जो लिस्ट है वो एक डेटा स्ट्रक्चर है और उसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जो ये लिस्ट है उसमें क्या होता है कि जो वाई ए एस एच मतलब कि इसमें इसने क्या किया कि जो ब्लैंक है ब्लैंक से उसको उसने क्या किया स्प्लिट कर दिया, मतलब कि तोड़ दिया। अब यहाँ पे इसने ब्लैंक देखा तो इसने क्या किया तोड़ दिया, फिर यहाँ पे ब्लैंक दिखा तो इसने क्या किया तोड़ दिया, फिर यहाँ पे ब्लैंक दिखा तो इसने क्या किया तोड़ दी, ओके। इसने वन बाय वन उसने क्या कर दिया उसको लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करके वन वैल्यू कर दिया। जैसे इसमें कौन सी इंडेक्स है, तो ये पहली इंडेक्स है, ये दूसरी इंडेक्स है, ये तीसरी इंडेक्स है, चौथी मीन्स के 0 1 2 3, ओके। और इसको जैसे ही हम इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्सेस करते थे वैसे ही हम इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, ओके। तो ये चीज़ हम कब यूज़ करते हैं, जब एपीआई के साथ काम करते हैं या फिर वेब स्क्रैपिंग करते हैं, तो उसमें से बाहर से जब वैल्यू आती है कि जिसके अंदर कॉमाज होते हैं। अब जैसे यहाँ पे ब्लैंक्स का यूज़ किया वैसे ही हम कॉमा का भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। इसके अंदर क्या कर सकते हैं कॉमा का भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर हमें
कॉमास कर दो कि भाई कॉमास के बाद की वैल्यू को क्या कर दो, तोड़ दो लिस्ट के अंदर। ओके, तो इसने क्या किया, कॉमास के बाद की वैल्यू को लिस्ट के अंदर तोड़ दिया, उसको वन एक 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 करके एक्सेस कर सकते हो। ओके, और उसके अंदर क्या होता है कि जब आप एपीएस के साथ काम करते हो और उसके साथ काम करते हो, तब वहाँ पे कोई इतनी वैल्यू नहीं आती, वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, और उसको पर्टिकुलर एक कैटेगरिकल डेटा में क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। ओके, और या फिर सर्च में आप काम कर रहे हो, अब सर्च में जब आप काम कर रहे हो तो कोई भी सर्च करेगा ब्लैंक रखेगा या फिर कुछ और रखेगा। ओके, फिर कॉमास करके सर्च करेगा कि जैसे कि हम बात करते हैं कि भाई मैं होटल में रेसिपीज के बारे में सर्च कर रहा हूँ, तो भाई क्या होना चाहिए कि भाई उसके अंदर पनीर भी होना चाहिए, फिर उसके अंदर आलू भी होना चाहिए। ओके, तो क्या लिखूँगा मैं, पनीर कॉमा आलू, ऐसा करके ही लिखूँगा ना। तो वही चीज़ आप जब सर्च करते हैं तो सर्च में भी उसको तोड़ देता है, और तोड़ के उसकी एक एक वैल्यू को निकाल के उसको फिल्टर करता है, और उसके बाद आपको क्या करता है, उसका रिजल्ट शो करता है। ओके, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है स्ट्रिंग के लिए। ओके, तो एक बार फिर से आप फ्रेंड्स यहाँ पे आके सारे मेथड्स को वन बाय वन रन कीजिएगा, और उसको अपने एंड से उसको समझिए कि ये चीज़ क्या रिटर्न कर रहा है और क्यों हम इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये इनबिल्ट फंक्शंस को। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, तो ऐसे ही इस वीडियो हम आगे लाते रहेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।